रिपोर्टिंग कि जब तक हम लोगों ने लास्ट क्लास जो देखी थी, सबसे पहले टेबल देखा हमने, ठीक है, फिर फॉर्म बनाने देखे, फिर क्यूरी देखी। अब उस क्यूरी को हम लोग प्रिंट आउट की शक्ल में किस तरीके से लाएंगे या रिपोर्टिंग की शक्ल में किस तरह से लाएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। क्रिएट के अंदर ही अगर आपने यहाँ पर आपके पास रिपोर्ट का आ रहा होगा ऑप्शन, ठीक है, इस जगह से आप लोग ले लेंगे रिपोर्ट विजिट, ठीक है। जैसी रिपोर्ट विजिट पे आएंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप कौन से वाले टेबल की या क्यूरी की आप रिपोर्टिंग करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे जो है वो, हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था कि क्लास सेक्शन और स्टूडेंट के सिटी के हिसाब से हमें रिपोर्टिंग देते हैं, ठीक है, तो उसकी क्यूरी बनाई थी हमने, तो यहाँ से हम क्यूरी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप तमाम स्टूडेंट के ओवरऑल रिकॉर्ड चाह रहे हैं तो आप टेबल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से क्यूरी ले रहा हूँ। यहाँ से क्यूरी लेने के बाद जो जो फील्ड जिसमें से मुझे चाहिए होंगी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्यूरी में से ये तमाम फील्ड चाहिए तो मैं तमाम पे सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास रिपोर्टिंग जब क्यूरी की लगाएंगे आप, तो आपसे जो सवाल क्यूरी करते वक्त आप पूछा गया था वो यहाँ पर भी पूछेगा आपसे, ठीक है। मैट्रिक क्लास सेक्शन ए, ठीक है, सिटी कराची एंड जेंडर मेल, ठीक है। अगर आपके गिवन रिकॉर्ड के हिसाब से वो डेटा मौजूद होगा तो इस रिपोर्टिंग पे आपको ये शो करा देगा, अदरवाइज जो है वो ब्लैंक शो करवाएगा, ठीक है। इसको दोबारा देखते हैं, फिलहाल इसको मैं सेव करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेव हो गई है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो भी इसके साथ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो, जैसे अभी GR नंबर ये फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है, इसको चेंज करना, आपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर दिया स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्लास सेक्शन एंड सिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये चार पांच चीज़ें मैंने यहाँ पर इसको मेंशन करवा दी। अब यहाँ पर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इसको आप चेंज कर दें। मैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ जेंडर वाइज स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने हेडिंग देनी होगी वो आप इधर हेडिंग देंगे, उसके बाद इस हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको मैंने बताया था कि आप इसका फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 40 या इसको कर देते हैं हम 30। तो यहाँ से आप इस जो लेबल हमने इंसर्ट करवाया हुआ है इसको इंक्रीज कर दें, ठीक है, और यहाँ से एडजस्ट कर दें। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट चेक करें, यहाँ पे आपके पास जो है फॉन्ट ये टेक्स्ट अलाइंट आ रहा है, इसको सेंटर कर दें, ठीक है। अब जो भी आपके इसके साथ फॉर्मेटिंग करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं कि आप इसका किस कलर का आना चाहिए, फील्ड किस कलर की आनी चाहिए, सेंटर आना चाहिए, लेफ्ट आनी चाहिए, तमाम चीज़ें आप लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये शिफ्ट की प्रेस करके मैंने तमाम फील्ड सेलेक्ट की, ठीक है, और यहाँ से टेक्स्ट अलाइन सबको मैंने यहाँ से एक साथ सेंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका मैंने कलर भी सिलेक्ट किया और यहाँ से कलर इसका ब्लैक कर दिया और इसका फॉन्ट का जो वेट है वो बोल्ड पर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे। इसको मैंने सेव करवाया, सेव कराने के बाद इसको मैं करता हूँ क्लोज और दोबारा प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ मैट्रिक सेक्शन ए, ठीक है, और सिटी मैंने दे दी है शक्कर और नीर, ठीक है। अब देखिए इस हमने जो उसको इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड दिखा रहा है। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाले जो टेबल थी इसकी क्यूरी बना दूँ, ठीक है, तो फिर दोबारा क्रिएट में आएंगे आप लोग, रिपोर्ट विजिट में आएंगे और यहाँ से अब हम टेबल इन्फॉर्मेशन में जाकर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे। इसमें से जो जो आपको फील्ड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली फील्ड चाहिए, जो जो फील्ड आपको सीक्वेंस में चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट इमेज ले ली मैंने और यहाँ से सिटी ली, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट इमेज मुझे रिपोर्ट में नहीं शो करानी तो यहाँ से इसको हटा दें, तो आपके पास रिपोर्टिंग के अंदर स्टूडेंट इमेज नहीं शो करवाएगा ये। इसके बाद आपने नेक्स्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने मुझसे कोई भी क्यूरी नहीं मांगी, क्यों? क्योंकि मैंने टेबल के ऊपर कभी भी कोई
कोई क्यूरी लगाई नहीं थी, क्योंकि क्यूरी आपके पास कब होती है, जब भी आप अपनी मर्जी की कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जितनी ज्यादा सवाल होंगे यानी क्यूरीज होंगी, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्यूरीज यहाँ पे अलग बनेंगी, उसकी रिपोर्टिंग भी अलग बनेगी। हर क्यूरी की रिपोर्ट जो है वो आपकी सेपरेट होगी। अब जैसे कि इसकी मॉडिफिकेशन करनी है आपने, डिजाइन व्यू में आए, डिजाइन व्यू में आने के बाद जो जो चीज़ फील्ड्स आपकी हाइड हो रही है, जैसे सेक्शन आपको कम करना है, तो इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से कम कर दिया। ठीक है, जेंडर को यहाँ पे आपने थोड़ा सा एडजस्ट आपने खुद ही करना है, क्योंकि आपने CNIC के लिए जगह बनानी है, तो आपको इसी पेज पे रहते हुए CNIC की जगह बनाएंगे आप। डेट ऑफ एडमिशन आ रहा है, सिटी आ रहा है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि फादर नेम को स्पेस थोड़ा सा जो है वो कम कर दो, तो ये तमाम चीज़ें आपने खुद एडजस्ट करनी है यहाँ पर रिपोर्टिंग के हिसाब से आपने। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज किया, अब सेम जो हमने वहाँ पर काम किया था स्टूडेंट फॉर्मेशन का, वो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर दें, या इसको आप ओपन करें, ठीक है, यहाँ से इसको कर लें कॉपी, ठीक है, और इसको डिलीट करें और पेस्ट करें। ठीक है, मैंने स्टूडेंट फॉर्मेशन इसको नाम दे दिया। अब इसकी जो रिपोर्टिंग होगी आपकी, इसमें कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा नहीं, सिंपल आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन उस टेबल में मौजूद है सबको इस टेबुलर फॉर्म में लाके शो करा देगा।